चमोली में मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग 13 अगस्त से तमक गांव के पास से बंद है, जिससे घाटी में करीब 70 से अधिक लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए हेली सेवा का इस्तेमाल किया जाना है, लेकिन खराब मौसम की वजह से हेली सेवा शुरू नहीं हो सकी है। हालांकि एसडीएम कुमकुम जोशी ने जल्द ही हेली सेवा शुरू करने की बात कही है। एसडीएम के मुताबिक सबसे पहले मेडिकल टीम मौके पर भेजी जाएगी, जो बीमार लोगों का इलाज करेगी। इसके बाद सभी फंसे लोगों को निकालने का प्रयास किया जाएगा। वहीं कांग्रेस नेता राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में लोगों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया और जल्द से जल्द मार्ग खोलने की मांग की है। आज 11 दिन हो चुके हैं और सीमांत पूरी बेली ठप है, लगभग हमारे 17 गांव फंसे पड़े हुए हैं और 17 गांव की स्थिति ऐसी है, ना दूरसंचार की व्यवस्था है, ना वहां पे बिजली की व्यवस्था है, और लगातार ये हमारे जो मैसेज वहां पे कन्वे हो रहा है कि कई लोग पालसी भाई भी फंसे हुए हैं, जिनकी बकरियाँ अभी भाबर की ओर रवाना होना है, और वहाँ पर लगातार दिक्कतें बड़ी है। ग्रामीणों के पास राशन नहीं है, खाने के पीने के सामान, और स्वास्थ्य में लगातार गड़बड़ी नज़र आ रही है। पिछले 2 दिन से मौसम खराब होने के कारण हेलीकॉप्टर आधे ही रास्ते से हमें वापस भेजना पड़ा था, तो आज पूरी संभावना है कि हमारा हेलीकॉप्टर आज लाता हेलीपैड पे पहुंच जाएगा, जिससे हम सबसे पहले मेडिसिन और डॉक्टरों की टीम को भेज रहे हैं, उसके बाद स्थानीय लोग जो यहाँ अटके हुए हैं उनको भेजा जाए। मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि सबसे पहले जो बच्चे और महिलाएं फंस गए हैं उनको भेजा जाए। और नितिन सेमवाल इस वक्त फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन, दिक्कतें काफी हो रही हैं मौसम खराब होने की वजह से और भारी बारिश के चलते, आने जाने में तो दिक्कतें हैं ही, अब हेली सेवा पर भी इसका असर पड़ने लगा है। क्या कहना है मौसम विभाग का और क्या कहना अधिकारियों को, कब से ये सेवा सुचारू हो सकती है? नितिन, आवाज सुन पा रहे आप मेरी? संपर्क नितिन से कट गया है, लेकिन बता दें आपको कि इस वक्त दिक्कतें ज़्यादा हैं, क्योंकि फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए जो कोशिशें की जा रही हैं वो भी कामयाब नहीं हो पा रही हैं। हेलीकॉप्टर की सेवा भी बाधित है भारी बारिश के चलते, ऐसे में लोगों को भी परेशानी और प्रशासन लगातार अपनी ओर से कोशिशें कर रहा है। नैनीताल में भूस्खलन का एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिर गया। सड़क पर गिरे मलबे को देखकर बस चालक ने भी रिवर्स गियर लिया और सवारियों ने भागकर अपनी जान बचाई। गुरुवार देर रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसके बाद पहाड़ खिसकने लगे हैं। शुक्रवार शाम भवाली से वीरभट्टी होते हुए जूलीकोट और हल्द्वानी को जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग एक्सटेंशन में भूस्खलन हो गया। रुद्रप्रयाग में एक बार फिर से बारिश शुरू हो गई है, जिस कारण जनजीवन प्रभावित होने लगा है। देर रात से लगातार हो रही बारिश के कारण ऋषिकेश बद्रीनाथ और रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे बार बार बंद हो रहा है, जिसे खोलने में विभाग लगा हुआ है। इसके अलावा मंदाकिनी और अलकनंदा नदियों का जलस्तर भी काफी बढ़ गया है, जिससे रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय के बेलड़ी पुल के नीचे स्थापित शिव मूर्ति के गले तक पानी पहुंच चुका है। अगर लगातार इस तरह बारिश होती रही तो लोगों के आवासीय भवनों तक पानी आ जाएगा और लोगों को अपने आशियानों को छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ेगा। रुड़की से बड़ी खबर है, जहां प्रेमी युगल ने गंग नहर में छलांग लगाई है। गोताखोरों की मदद से दोनों की तलाश जारी है, पुलिस मौके पर मौजूद है, तलाश में जुटी है गोताखोरों की टीमें। एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। पुलिस ने युवक के परिजनों को घटना की जानकारी दी। गंग नहर कोतवाली क्षेत्र की यह घटना है। रुड़की में प्रेमी युगल ने गंग नहर में छलांग लगाई है और गोताखोरों की मदद से इन दोनों की तलाश की जा रही है। पुलिस मौके पर पहुंची है, युवक के परिजनों को जानकारी दे दी गई है। गंग नहर कोतवाली क्षेत्र की एक घटना। हल्द्वानी में मुखानी थाना पुलिस को नशे के खिलाफ बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मुखानी थाना और SOG की टीम ने संयुक्त रूप से मुखबिर की सूचना पर चंबल पुल के पास से संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। पुलिस को इसके पास से 8 किलो चरस बरामद हुई है, साथ ही एक कार भी बरामद की गई है।